हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर सिविल न्यायाधीश वर्ग दो प्रवेश स्तर की परीक्षा होने वाली है 2019 की, जिसका आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 22 सितंबर और अंतिम तिथि है 5 नवंबर। आप यहां पे और भी तिथियां देख सकते हैं कि जैसे आपको सुधार करना है तो 10 नवंबर, आवेदन में त्रुटि हो अंतिम तिथि है 12 नवंबर, और जो परीक्षा होगी आपकी प्रारंभिक एंड जो मुख्य परीक्षा होगी वो बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो फीस रहेगी तो जो जनरल रहेंगे मध्य प्रदेश के जो रहेंगे उनके लिए रहेगी 722, सभी के लिए रहेगी, प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा 400 एक्स्ट्रा, तो 1122 हो जाएगा। लेकिन जो आरक्षित हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 722.16 रुपये फीस रहेगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों से है, लाइक उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तो ऐसे स्टूडेंट्स को समझा जाएगा कि वो सामान्य वर्ग से हैं और सारी की सारी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया उनको सामान्य वर्ग के तहत की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या है नंबर ऑफ सीट्स, तो अनरिजर्व जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए 96 है प्लस 6, और इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 31 है, ओबीसी के लिए 27 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 है। ये जो स्टार लगा है तो यहाँ पे बैकलॉग और बैकलॉग पीएच पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा हैं। जो भी कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी में आते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में, तो उनको मध्य प्रदेश में अनारक्षित के तौर पे ही भरना होगा। उनका जो प्रमाण पत्र है तो उनका कास्ट प्रमाण पत्र यहाँ नहीं चलेगा। और ये जो पोस्ट है ये राज्य पत्रित द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है, और यहाँ पे जो भी वेतनमान है वो मिलता रहेगा एज पर रूल्स। देखिए दोस्तों, आप इससे अप्लाई करने से पहले जो इसकी डिग्री होती है लॉ की, वो आपके पास होना चाहिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने के अंतिम दिन से पहले तक, और आपकी उम्र काउंट होगी 1 जनवरी 2020 से, तो आप 21 साल के कम से कम हो और 35 से ज़्यादा ना हो। आप ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर 2020 रात 11:55 तक भर पाएंगे, लेकिन हमारी सजेशन है कि आप पहले ही भर लीजिएगा क्योंकि बाद में साइट चला नहीं करती। दोस्तों, ऑनलाइन और मेंस दोनों होगा प्रीलिम्स, तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन रहेगी उसका जो पाठ्यक्रम है वो है भारत का संविधान सिविल प्रक्रिया संहिता, और यहाँ पे वेरियस है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी ज्ञान का भी है, जो 10 नंबर का आएगा, 10 और सामान्य ज्ञान 20 नंबर का। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत जाए तो आप हमसे आस करिएगा, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जहाँ से आप इसे डायरेक्ट क्लिक करके एक्सेस कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। दोस्तों, कोई भी अगर दिक्कत आती है आप आस करिए। थैंक्स लॉट दोस्तों।